दोस्तों, आज की बात हम सुमन कल्याणपुर के बारे में करने जा रहे हैं। सुमन कल्याणपुर बॉलीवुड की एक महान प्लेबैक सिंगर है और हमेशा उनका कंपैरिजन लता मंगेशकर के साथ होता था, क्योंकि उनकी आवाज़ डिक्टो लता मंगेशकर जैसी थी और इसलिए हमेशा ही उनका कंपैरिजन लता मंगेशकर के साथ हुआ। दोस्तों, आपने सुमन कल्याणपुर के कई गीत सुने होंगे, मगर आपको ऐसा लगता होगा ये गीत लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। इस प्रकार का धोखा लोग तो हमेशा ही खाते हैं। आज भी जब ये गीत कई रेडियो स्टेशन पे चलते हैं या टीवी पे चलते हैं, एज ए प्लेबैक सिंगर कई बार गलती से लता जी का ही नाम आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्या लता जी का और सुमन कल्याणपुर का आवाज़ एकदम सेम टू सेम था? अब जब भी सुमन कल्याणपुर के गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा ये गीत लता जी ने ही गाया है। दोस्तों, बॉलीवुड में इतने प्लेबैक सिंगर आके गए, किसी का वॉइस इतना सेम टू सेम होना ये बड़ी ही रेयर बात है, खास करके लता मंगेशकर जी जिन्हें संगीत की सरस्वती कहा जाता है और ऐसी वॉइस क्वालिटी जिन्हें भगवान से ही मिली हो। आज तक लता मंगेशकर जैसी गायकी कोई ना कर सका, न किसी का वॉइस उनके करीब पहुंच सका। मगर हम कह सकते हैं एक ही गायिका थी जिसका नाम है सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने हमेशा ही लता जी को याद दिलाया और जिनका वॉइस लता जी से एकदम परफेक्ट मैच करता था। दोस्तों, हमेशा ये कहा जाता है कि नेचर भी कभी रिपीटेशन नहीं करता, मगर इतना सेम टू सेम वॉइस किस प्रकार हो सकता है? बॉलीवुड में रफ़ी साहब हो, किशोर कुमार जी हो, आशा भोसले जी हो और बड़े बड़े सिंगर, इनकी तरह कोई न गा सका और किसी का वॉइस इनके कभी क्लोज ना हो सका, मगर सुमन कल्याणपुर का वॉइस लता जी से काफ़ी मेल खाता था। इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होने के बाद भी सुमन कल्याणपुर को वो दर्जा हासिल नहीं हुआ जो लता जी को मिला, आशा जी को मिला। उनमें किसी प्रकार की टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं थी, उनका वॉइस का रेंज बहुत ही बेहतरीन था। कोई भी मुश्किल गीत वे आसानी से गाती थी, फिर भी वो दर्जा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उनके करियर के शुरुआत में जब भी वे गीत गाती थी तो हमेशा म्यूज़िक डायरेक्टर ये डिमांड करते थे कि उन्हें लता जी जैसा गाना है, और गीत लता जी अगर गाती तो कैसा बनता था उस तरह से उनको गाना है ऐसा ही कहा जाता था। एक बड़ा प्रेशर हमेशा प्लेबैक सिंगिंग करते वक्त उनके ऊपर रहता था। उन दौरान लता जी एक गीत गाने के काफ़ी पैसे लेती थी, इसलिए काफ़ी बार संगीतकार सुमन कल्याणपुरकर जी को अप्रोच करते थे और उनसे गीत गवाते थे। सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी में 900 के ऊपर गीत गाए और दूसरे लैंग्वेज में भी, जैसे मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, ऐसे कई भाषाओं में सुपरहिट गीत गाए। उनके मराठी और बंगाली गीत काफ़ी सुपरहिट रहे, मगर फिर भी वो जिस मुकाम की हकदार थी वो मुकाम उन्हें मिला नहीं। हमेशा ही उन्हें बॉलीवुड में बड़े पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन दौरान लता मंगेशकर जी एक टॉप की सिंगर थी। लता जी को कभी भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि सुमन कल्याणपुर उन्हें इस प्रकार से नकल करती है। इस प्रकार किसी को इतना फॉलो करना कभी भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सुमन कल्याणपुर जानबूझ के लता जी की नकल नहीं करती थी, उनकी वॉइस क्वालिटी ही लता जी जैसी थी। उन दौरान काफ़ी प्लेबैक सिंगर लता जी से तो इन्फ्लुएंस हो ही चुके थे और उन दौरान सुमन जी भी लता जी से काफ़ी प्रभावित हुई थी। अपने इंटरव्यू में सुमन कल्याणपुर जी बताती है कि उन्हें नूरजहाँ और सूर्या के गीत बड़े अच्छे लगते थे और बचपन में हमेशा ही इनके गीत वो गुनगुनाती थी। 1960 के आसपास रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी, इनकी कॉपीराइट की वजह से कुछ गलत फहमियाँ हुई और दोनों ने साथ में गाना छोड़ दिया। उन दौरान सुमन जी ने रफ़ी साहब के साथ बहुत सारे गीत गाए, उनके कई गीत सुपरहिट हो गए और उन दौरान सुमन कल्याणपुर जी ने रफ़ी साहब के साथ अराउंड 160 ड्यूट सॉन्ग गाए और काफ़ी गीत सुपरहिट रहे। इन दोनों के सुपरहिट गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, अगर आप गाना सुनेंगे इस गीत में, अगर आप सुमन कल्याणपुरकर जी का आवाज़ सुनेंगे तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। अगर आप गाना सुनेंगे रहे ना रहे हम, बिल्कुल सेम टू सेम लता मंगेशकर।
और कई गीत है, नाना करते प्यार तुम्हें से कर बैठे, मेरा प्यार ही तू है, आपको दिल में बिठा लूं, दिल ने फिर याद किया, दिल एक मंदिर है, इतना है तुमसे प्यार मेरे महबूब ना जा, नन्नी सी परी मेरी लाडली, ये सब गीत आप सुनो तो आपको सुमन जी और लता जी इनके वॉइस में कुछ फर्क नज़र नहीं आएगा। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था कि लता मंगेशकर जैसा सेम टू सेम आवाज़ सुमन कल्याणपुरकर जी का था। और रफ़ी साहब के साथ तो दिल एक मंदिर है, क्या गीत है, अगर तेरी जलवा नुमायूं ना होती, तुझे प्यार करते हैं, तुमने पुकारा और हम चले आए, होश में आलू तो चले जाइएगा ये पर्वतों के दायरे, ऐसे कई सारे गीत बहुत ही सुपरहिट हुए। और मराठी में भी उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए। इन सभी गीतों में उनका सबसे पसंदीदा गीत है जैसे ही लता जी और रफी साहब का झगड़ा खत्म हुआ और तो सुमन कल्याणपुर को गीत मिलना कम हो गया। उन दौरान लोग ऐसा कहते हैं कि उन पे बड़ी नाइंसाफी हुई, जो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर उनसे गीत गवाते थे उन्होंने गीत गवाना कम कर दिया। ऐसा भी लोग कहते हैं कि लता जी का म्यूज़िक डायरेक्टरों पे बड़ा प्रेशर था, इसलिए सुमन कल्याणपुरकर जी को काफ़ी गीत मिले नहीं। लता जी को उनकी नकल करना कभी भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा भी कहा जाता है जो म्यूज़िक डायरेक्टर सुमन जी से गीत गवाते थे उनके लिए लता मंगेशकर जी ने गाना गाना बंद कर दिया था। व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये बात सच नहीं लगती, क्योंकि लता मंगेशकर उस वक्त भी बहुत बड़ी सिंगर थी और उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मगर सुमन जी को बॉलीवुड पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, काफ़ी बार उन्हें फ्रस्ट्रेशन मिला, काफ़ी बार ग्रुपिज्म का शिकार उन्हें होना पड़ा। 1980 साल आते आते सुमन जी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उनका प्लेबैक सिंगिंग के प्रति मन उदास होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ दी। अगर सुमन जी प्लेबैक सिंगिंग नहीं छोड़ती, हो सकता था 1980 से लेके 1990 तक वो सुपरहिट हो सकती थी। मगर ये कह सकते हैं कि सुमन कल्याणपुर जी को इस बात का कभी फायदा हुआ तो कभी नुकसान भी हुआ, हमेशा उनका कंपैरिजन लता जी से होता रहा। लोग कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ा, मगर दोस्तों जब आप किसी लाइन में काम करते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन तो होता ही है, कंपटीशन के साथ पॉलिटिक्स तो होता ही है। मगर सुमन जी बहुत ही नेक दिल की एक अच्छी सिंगर थी, उन्हें इस प्रकार का पॉलिटिक्स कभी आया नहीं। आज भी उनके गीत लोग लता जी के गीत समझ के सुनते हैं, क्या ये कम बात है। एज ए प्लेबैक सिंगर सुमन जी को पहला ब्रेक मिला था 1953 में, मराठी फिल्म थी शुक्राची चांदनी। उसके बाद एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था मंगू। इस फिल्म की लोरी उन्होंने हेमंत कुमार साहब के साथ गाई थी। खुद सुमन जी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन दौरान लता मंगेशकर भी स्टूडियो आई थी और उन्होंने ये लोरी उनकी सुनी थी और जैसे उन्होंने सुमन जी का गाना सुना तो उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ की थी। तो दोस्तों उनका किशोर कुमार के साथ तेरा मेरा मेरा तेरा मिल गया दिल दिल से एक गीत काफ़ी सुपरहिट हुआ था। और उनका हिंदी फिल्म का आखिरी सुपरहिट गीत था जिंदगी इम्तिहान लेती है, एक गीत बहुत ही सुपरहिट हुआ था। अंत में मुझे ऐसा लगता है कि सुमन जी एक बड़ी कामयाब प्लेबैक सिंगर थी और लता मंगेशकर के साथ कंपैरिजन होना एक बहुत ही बड़ी बात थी। जब तक लता जी का नाम रहेगा तब तक लोग सुमन जी का भी नाम लेते रहेंगे। तो दोस्तों ये बात थी सुमन जी के बारे में। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो कृपया कॉमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।